मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि मैं एक बुक लवर हूँ, और स्टूडेंट से बात करते हैं कि अब क्या ज़रूरत है किताबों की, क्या ज़रूरत है अखबारात की और एडिटोरियल्स पढ़ने की, क्या ज़रूरत है, तो मैं हैरान हो जाता हूँ। और जब उनको ये बताता हूँ कि हमारे मुल्क में ये बदकिस्मती हुई है कि कहाँ भी 1,000 किताब छपती थी, अब उस 200 पे या 100 पे आ गई है, और जिन ममालिक से ये गैजेट्स, जिनकी वजह से नई नस्ल कहती है कि ज़रूरत नहीं रह गई आज किताब की, और जब PDF में मौजूद है आप गैजेट्स पे किताब पढ़ सकते हैं, तो वो ममालिक जहाँ से ये गैजेट्स आए हैं, जो इसके बानी हैं, वहाँ आप हैरान होंगे कि वहाँ जो टीन एजर्स जो हैं, उनका जो डाटा मैंने अमेरिका इकट्ठा किया, तो पता चला कि 88% स्टूडेंट्स जो हैं वो किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, और उसकी वजह उन्होंने प्लेजर जो है वो बताई है कि वो रीडिंग किताबों की PDF की बजाय किताब के सूरत में पढ़ना पसंद करते हैं, और उसी इसमें वो प्लेजर फील करते हैं। और जबकि हम गैजेट्स में इस हद तक उलझ गए हैं कि हमें पता ही नहीं कि हम कितना बड़ा रिश्ता जो किताब के साथ था उसको तोड़े बैठे हैं, और वो मैं टीनेजर्स की बात कर रहा हूँ, और उनकी तमाम यानी 60+ तक जो है ये हमें डाटा जो है मिलता है, और हैरान कुन अदाद शुमार है कि वो किताब को पसंद करते हैं, किताब से मोहब्बत करते हैं और किताब को ख़रीदते हैं। अभी एक अमेरिकन रिपोर्टर में देख रहा था 2020 के अंदर कि एक औसत जो निकाली है उन्होंने कि $94 जो है वो लाजमी किताब ख़रीदने पर ख़र्च करते हैं। तो अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि हम उनको कॉपी करते हैं अपने ताई, लेकिन वो तो किताब से मोहब्बत करते हैं, किताब पढ़ना पसंद करते हैं, वो मैगज़ीन्स को ख़रीदते हैं, मैगज़ीन पढ़ते हैं, अखबारात ख़रीदते हैं, अखबारात पढ़ते हैं, अखबारात के एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, और वही दुनिया की सुपर पावर हैं। उन्हीं के पास रिसर्च आती है, रिसर्च के तमाम चीज़ों का जो मंबा है वही है, हब वही है, आपके इंटरनेट का भी हब वही है, आपकी ईजादात का भी हब वही इलाके हैं, वही ममालिक हैं। लेकिन वो किताब से दूर नहीं हुए, किताब से दूर हम हो गए हैं उन्हीं के गैजेट्स को इस्तेमाल करके, और ये समझ रहे हैं कि वो भी ऐसा करते होंगे और वो किताबें नहीं पढ़ते होंगे, जैसा कि मुझे स्टूडेंट्स की बातों से लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो किताब से आज भी उतनी ही मोहब्बत करते हैं, क्योंकि ये जो रेशो है ये बढ़ती जा रही है। वो सिर्फ गैजेट्स को इस्तेमाल करते हैं खबरें देखने के लिए, वो भी 6% मैंने देखा है उसका डाटा हमारे पास आया है। अभी एक बहुत बड़ी माहिर तालीम है वो सैयदा आरफा, वो बात कर रही थी कि वो 2 साल जब पढ़ाने गई अमेरिका तो हैरान रह गई कि किसी स्टूडेंट के पास जो है फ़ोन नहीं होता था, सब ने अपने बैग्स में रखा होता था, और 2 साल में कहती हैं मैंने सिर्फ एक दफ़ा किसी स्टूडेंट के पास उसने मैसेज करना था, मुझसे उसने पूछ के मैसेज किया, और अर्जेंट था वो, और वो भी रास्ता बताना था दूसरे स्टूडेंट को, अदरवाइज़ कहती हैं 2 साल में मैं हैरान थी कि वो फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करते, वहाँ नहीं करते जहाँ उन्हें पता है कि यहाँ इस्तेमाल नहीं करना। इसी तरह कहती हैं मैंने प्रोफेसर्स को भी देखा कि वो भी इससे अवॉइड करते हैं, और उनके हाथ में फ़ोन कम अज़ कम नहीं होता। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि जो दुनिया में कौमें तरक्की कर रही हैं, जिनको हमें जिनकी अच्छी चीज़ों को कॉपी करना चाहिए, हमें उनका पता ही नहीं है, और जो उनकी मुआशरत की कोई खामियां वामियां हैं वो हमने शिदोमत से इख्तियार की हुई हैं। तो ये जो ख्याल है कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो अखबारात पढ़ना छोड़ चुके हैं, वो किताब पढ़ना छोड़ चुके हैं, ये गलत ख्याल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप डाटा पढ़ेंगे, डाटा जानेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, और अपना हाल देख लें कि किताब से भी दूर हैं और PDF के चक्कर में पड़े रहते हैं, और किताबें बेचारी जो 1,000 तक बमुश्किल छपती थीं वो 600-500 से होती हुई अब 100 पे आ गई हैं। जिस मुल्क में किताब के साथ इस हद तक बेतनाई बढ़ती जाएगी, तो फिर वहाँ इल्म नहीं होगा, वहाँ डिग्रीज़ तो होंगी लेकिन इल्म नहीं होगा, तालीम तो होगी लेकिन इल्म नहीं होगा, विजडम नहीं होगा।